किडनी में इन्फेक्शन लग जाने के बाद जो क्रिएटिनिन और यूरिया होता है बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है, जिसका कारण होता है कि आपकी किडनी का GFR लेवल धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। जब किडनी आपकी बहुत ज़्यादा कम काम कर रही होती है, जब किडनी आपकी 5th स्टेज पे आ जाती है, तब आपका क्रिएटिनिन 5 के ऊपर जाने लग जाता है और ये संकेत होता है कि आप डायलिसिस या आपको किडनी ट्रांसप्लांट पर जाना पड़ेगा। लेकिन आज मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपना क्रिएटिनिन यूरिया बहुत तेज़ी से कम कर लेंगे और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। साथ में आपकी बॉडी में जो बढ़ा हुआ एक्स्ट्रा फ्लूड है वो भी बहुत तेज़ी से कम होता चला जाएगा और आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ताकि इससे किसी और किडनी रोगी की भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। क्रिएटिनिन को कम करने के लिए बहुत से लोग आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हैं, बहुत से लोग डायलिसिस करवाते हैं या बहुत से लोग किडनी ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। आज मैं आपको ऐसा एक तरीका बताऊंगा जिससे आप अपना घर बैठे ही क्रिएटिनिन यूरिया कम कर सकते हैं। आप लोगों ने सोना बाथ का नाम तो सुना ही होगा। सोना बाथ आता है, सोना टब होता है, जिसमें कि वाटर का स्टीम बना करके उसका टेम्परेचर 40 डिग्री तक मेंटेन कर दिया जाता है और उसके अंदर आदमी को जब बैठा दिया जाता है पूरी तरीके से वो पैक हो जाता है तो अंदर इतनी ज़्यादा हीटिंग हो जाती है। हीटिंग बढ़ने की वजह से उस पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और अधिक से अधिक मात्रा में उसके शरीर से पसीना आ रहा होता है। पसीने से आपका क्रिएटिनिन भी कम हो जाता है और आपका जो वाटर का लेवल होता है, जो आपके शरीर में एक्स्ट्रा फ्लूड बढ़ा हुआ होता है, वो भी निकल जाता है। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का जो वाटर टैंक है वो भी इसी पे ही काम करता है, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। उसमें आप लाखों रुपए खर्च करेंगे तब जाके आप वो ट्रीटमेंट करा पाएंगे, बट आप सोना बाथ ले सकते हैं। सोना बाथ आपको किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे बड़ी आसानी से मिल जाएगा, वो भी 4,000 से 5,000 रुपए की रेंज के अंदर। तो इससे आपका घर बैठे ही बड़ी आराम से क्रिएटिनिन यूरिया भी कम होगा, साथ में आपके शरीर में बढ़ा हुआ एक्सेस फ्लूड भी कम होगा। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अगर आपका बीपी पहले से ही लो रहता है, अगर आप सोना बाथ लेते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर और भी ज़्यादा लो हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि सोना बाथ लेने से आपके पसीने के साथ शुगर भी निकलेगी, साथ में जो सोडियम है, नमक है, वो भी आपके पसीने से बाहर निकलेगा, तो जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर और भी ज़्यादा कम हो सकता है। तो इसलिए सोना बाथ लेते समय अपना बीपी जरूर चेक करें। अगर आपका बीपी कम है, बहुत ज़्यादा कम रहता है, 100 या 110 के आसपास रहता है, तो आप सोना बाथ का इस्तेमाल कम करें। जिस भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई रहता है या जिसका शुगर बढ़ा हुआ रहता है, उसके लिए सोना बाथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति का अगर बीपी हाई रहता है, अगर वो सोना बाथ लेता है तो उसके पसीने में से जो सोडियम की मात्रा होती है वो बहुत अधिक कम हो जाएगी और उसका ब्लड प्रेशर भी सही रहने लगेगा, साथ में आपका क्रिएटिनिन यूरिया भी कम हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। जिस भी व्यक्ति के डायलिसिस हो रहे हैं, अगर वो चाहता है कि वो अपने डायलिसिस कम कर ले, तो वो सोना बाथ का प्रयोग कर सकता है। सोना बाथ है जो कि बहुत ज़्यादा कम मात्रा में आपको मिल जाएगा और आप इसको लेकर के अपने क्रिएटिनिन यूरिया को कम कर सकते हैं, साथ में अपने डायलिसिस को भी कम कर सकते हैं धीरे धीरे। आपको कम से कम दिन में 2 से 2.5 घंटे तक सोना बाथ लेना है एक बार, और अपनी डाइट पे भी कंट्रोल करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आप सोना बाथ लें और आप कुछ भी खाएं तो इससे आपको ज़्यादा इफेक्ट आएगा, नहीं, आपका क्रिएटिनिन और तेज़ी से बढ़ेगा जब आप उल्टी सीधी चीज़ें खाएंगे। तो हमेशा ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जिससे क्रिएटिनिन यूरिया कम बढ़े और सोना बाथ आप लेते रहें। सोना बाथ लेने से आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि इससे आपके शरीर से जो एक्स्ट्रा फ्लूड है वो तेज़ी से निकलेगा। तो आप क्या करें कि जब आपको प्यास सी महसूस हो तो थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए। ऐसा नहीं है कि खट्टा 1 लीटर पानी आपने पी लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का जो वाटर टैंक है उसको छोड़ करके आप सोना बाथ का प्रयोग कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है।